नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक इतनी अच्छी खुशखबरी देने के लिए जा रहा हूं जो सेबी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बहुत अच्छी आप सब निवेशकों के लिए दी है जो आज ही आई है। आपको याद होगा कि 2 जनवरी 2018 को एक प्रेस विज्ञप्ति सेबी की तरफ से आई थी कि 2500 रुपये का आवेदन प्रक्रिया आरंभ की गई थी और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे वीडियो पर कि 2500 रुपये का आवेदन मांग लिया और रिफंड कब से हो रहा है। तो ये समय अब ख़त्म हो चुका है। अब सेबी की साइट पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिफंड प्रक्रिया आपकी आरंभ हो चुकी है आज से। उसके लिए आपको क्या करना होगा और सेबी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या डाला है ये देखिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 अगस्त 2018 की ये न्यूज है और इस पर लिखा हुआ है इश्योरेंस ऑफ एसएमएसएस बाय द कमेटी टू द इन्वेस्टर्स ऑफ पीएसएल सीकिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिसिप्ट। ये इंग्लिश में टोटली है, ये आप देख सकते हो। ये सेबी की वेबसाइट के ऊपर मैसेज आया, मगर हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में ट्रांसलेशन, सेबी ने क्या मैसेज आप लोगों के लिए, क्या खुशखबरी आप लोगों के लिए दी है। पूरी खबर बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे एक इस तरह का लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा और बराबर में घंटे का निशान इस तरह का दिखाई देगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं खबर। दोस्तों, अभी तक आपने ये सेबी की वेबसाइट के ऊपर इंग्लिश में देखा, मैं आपको इसका ट्रांसलेट करके हिंदी में बताता हूँ कि ये खुशखबरी आपके लिए कितनी अहम है और आपका पैसा के लिए वापसी के लिए किस तरह का मैसेज सेबी ने भेजा है। तो ये देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जारी करने के लिए SMS के द्वारा समिति के निवेशकों के लिए PSL की मांग उनके मूल प्रमाण पत्र या प्राप्तियां। और यहां पर आप 10 अगस्त 2018 भी देख रहे होंगे, PR नंबर भी 35/2018 पड़ा हुआ है। इसमें लिखा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जारी करने के लिए SMS के द्वारा समिति के निवेशकों के लिए PSL की मांग उनके मूल प्रमाण पत्र प्राप्तियों। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त RM लोढ़ा समिति के मामले में PSL लिमिटेड समिति के अनुसरण में अपने जनादेश प्रक्रिया शुरू कर दिया है कि वापसी पहले उदाहरण में सम्मान के साथ निवेशकों के लिए होने का दावा नहीं और अधिक की तुलना में 2500 रुपये हैं। उनका अनुसार उसका सत्यापन किया जा रहा है, आवेदनों की प्राप्त किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो 2500 रुपये का आपका आवेदन मांगा था, जो जनवरी में आपकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, उसको रिफंड करने की प्रक्रिया अब आरंभ हो चुकी है, जिसकी मैक्सिमम राशि 2500 रुपये इन्होंने बताई है। जो मैक्सिमम राशि है उससे ज़्यादा का आवेदन रिफंड नहीं हो रहा है, सिर्फ मात्र 2500 रुपये वाला सेबी ने अभी जो आवेदन प्रक्रिया अपने जनवरी में दी थी और अब उसको रिफंड करने वाली है सेबी। आगे क्या बोल रही है ये हम आपको और पढ़ के बताते हैं। फलस्वरूप इस तरह के सत्यापन SMS भेजा गया है निवेशकों के लिए, पूछ रही है उन्हें भेजने के लिए उनके मूल PSL प्रमाण पत्र प्राप्तियां समिति के पते पर। सेबी समिति के मामले में PSL रिगस भव्यता ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड 8वीं मंजिल सैमसंग टावर सब देवताओं का मंदिर रोड ब्लॉक नंबर 31 एगमोर चेन्नई 6444008, ये वहाँ का पिन कोड नंबर है। और इसमें बता देता हूँ कि आपके मोबाइल के ऊपर एक SMS आया होगा, जो आवेदन करते समय अपने मोबाइल नंबर दिया होगा, इस पर SMS आया होगा कि 2500 रुपये का रिफंड प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी के संबंध में आपके मोबाइल पर SMS आया, तो जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने दिया होगा आवेदन करते समय
उस मोबाइल पर चेक जाकर कीजिए मैसेज को, कुछ ना कुछ मैसेज आपके पास आया होगा। आगे लिखा है, इस संबंध में निवेशकों को इसके द्वारा सूचित किया है कि केवल यदि आप एक एसएमएस प्राप्त हुआ है करने के लिए आप पूछे भेजे मूल पीएसएल प्रमाण पत्र प्राप्तियों के ऊपर करने के लिए पता है जो आप कर सकते हैं के द्वारा स्पीड पोस्ट कोरियर पंजीकरण डाक भेजने के लिए मूल पीएसएल प्रमाण पत्र प्राप्तियों के संबंध में पीएसएल पंजीकरण संख्या के लिए जो आवेदन किया गया था करने के ऊपर पता है। इन्होंने ये बताना चाह रहे हैं कि ऊपर इन्होंने जो पता दिया है उसके ऊपर आप जो निवेशक है वे एसएमएस द्वारा उसका सत्यापन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट से सत्यापन करने के लिए आप इस पते पर पत्रव्यवहार कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। आगे लिखा है, यह आगे सूचित किया है कि रिफंड पर सत्यापन की असलियत का मूल पीएसएल प्रमाण पत्र रसीद प्रस्तुत किया जाएगा में जमा सीधे आपके बैंक खाते में आवेदन में प्रदान की जाएगी। इसका मतलब है कि सेबी कह रहा है कि जो आपने आवेदन प्रक्रिया की थी उस आवेदन प्रक्रिया के तहत आपके डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर रहा है। आपके डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद सेबी कह रहा है कि जो सत्यापन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का जितना आपका पैसा है उसके बाद हम सीधे आपके अकाउंट में वह पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सत्यापन करने के बाद, मगर उससे पहले निवेश को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। अब दोस्तों मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, आप अपने विवेक से काम लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। पीएसएल का मैटर है और सेबी की तरफ से मैसेज आया है, सेबी ने आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और डॉक्यूमेंट्स ही आपके पास आखिरी सबूत है। यदि डॉक्यूमेंट्स आप भेज देते हैं तो भेजने के बाद क्या वाकई में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पैसा, क्या सत्यापन हो पाएगा, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मगर इन्होंने आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे सत्यापन करने के लिए। अब आप बाय कोरियर भेजोगे उनका सत्यापन होगा और उसके बाद आपका पैसा रिफंड होगा। मगर चलिए शुरुआत हुई, या आप इसे एक सेबी की पॉलिसी समझ लीजिए कि इतना समय तो आवेदन करने के बाद रिफंड करने की प्रक्रिया का मैसेज ढूंढते ढूंढते इतना समय लग गया और रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो डॉक्यूमेंट्स मंगा रही है सत्यापन करने के लिए और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब इसकी गारंटी हम नहीं लेते कि डॉक्यूमेंट्स आपके जमा होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं, इस तरह का सेबी ने कहा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा यदि आपको पैसा चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराइए और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी को किसी पदाधिकारी से सर्टिफाइड करा लीजिए उस फ़ोटोकॉपी को कि ये ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी है और इसे सर्टिफिकेट कर दीजिए क्योंकि हम ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी में भेज रहे हैं अपना पैसा वापसी लेने के लिए। यदि कल को कंपनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है से भी आपका पैसा नहीं देती और डॉक्यूमेंट्स भी आपके हाथ से चले जाते हैं तो आप वो फोटोकॉपी जो आपने किसी गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड कराए थे वो आपके काम आएंगे आने वाले समय में, वो भी एक ओरिजिनल कॉपी का काम करेंगे। मेरी तो यही सलाह आप लोगों को है और आप लोग समझदार है, जैसा आप चाहे ऐसे कीजिए। हमारे हमें आपको ये खबर पहुंचानी थी जो जिसके लिए हमारे पास बहुत कमेंट्स आया करते थे कि 2500 रुपये का आवेदन मंगाया था अभी तक उसकी रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो ये रिफंड प्रक्रिया सेबी ने शुरू कर दी है। आज ही ये मैसेज सेबी ने अपनी साइट पर डाला है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आपको पैसा भी चाहिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए आगे भविष्य को देखते हुए, तो फोटोकॉपी करा के उसे गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड करा लीजिए, इसका एक यही तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये वीडियो यदि आप लोगों के अच्छी लगी तो इस वीडियो को के नीचे कमेंट्स बॉक्स है उसमें अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को यदि आप चाहे अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।
तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।